मैं जशन ठक्कर और फ्रेंड्स, आज के छोटे मैं आपसे बात करने वाला हूँ जावा पर्क के बारे में। और दोस्तों, आप सभी को पता रहेगा कि जावा पर्क जो है फाइनली इंडिया में आ रही है और बहुत ही जल्द इसके जो बुकिंग्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे और आपको अप्रैल 2020 तक की उसकी डिलीवरी भी मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप जावा पर्क या फिर परक अगर बाय करने की सोच रहे हो। यहाँ पे अलग अलग इसके प्रोनाउंसिएशन है। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो में इससे सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, कौन सी चीज़ आपको जो है कंसिडर करनी चाहिए बाय करने के पहले, क्योंकि अब अगर आप बाय करने की सोच रहे हो तो आप जल्दी ही जो है बुकिंग करोगे और अप्रैल तक की आपको डिलीवरी भी मिल जाएगी। तो अच्छा है कि आप जान लो इस बाइक के बारे में, जो मतलब अच्छी चीज़ और ख़राब चीज़ है। तो बस इस वीडियो में यही सब चीज़ें जो कवर करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आपको छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे डेली बेसिस पर देता हूँ। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम यूजर आईडी जो यहाँ पर शो हो रही है और फॉलो लिंक मैंने डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप डायरेक्टली फॉलो करके जो आपको पूछ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सबसे पहले आपको चीज़ कंसिडर करना है जावा के टाइम पे, वो है कि जावा पर्क के अंदर आपको बाय डिफॉल्ट सिंगल सीट का ऑप्शन मिलने वाला है। तो आपको कंपनी की तरफ से ड्यूअल सीट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, यानी कि जो पिलियन सीट है वो आपको कंपनी की तरफ से नहीं मिलने वाला है। अभी फ्रेंड्स, यहाँ पे चांसेस है कि आफ्टर मार्केट आप एक रियर सीट यानी कि पिलियन सीट लगा सको, लेकिन इसके ऊपर कोई कन्फर्मेशन नहीं है, क्योंकि जब तक बाइक लॉन्च नहीं होता है तब तक कोई इसके ऊपर कन्फर्मेशन नहीं है। लेकिन अभी आप यही मान के चलो कि इसके अंदर आपको सिंगल सीट का ऑप्शन है, पिलियन सीट का कोई अभी चांसेस नहीं, क्योंकि कंपनी ने ऐसा कोई जो है कन्फर्मेशन नहीं दिया है। सो वो एक चीज़ ध्यान में रखना है। और सेकंड चीज़ दोस्तों, यहाँ पे जावा पर्क के अंदर आपको जो है फर्स्ट टाइम इंडिया के अंदर BS6 इंजन जो देखने को मिल रहा है, और जल्दी आपको जो है सभी चीज़ों के मतलब सभी बाइक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो जावा एक ऐसी बाइक रहेंगी, जावा पर्क, जिसके अंदर आपको फर्स्ट BS6 इंजन देखने को मिलेगा। थर्ड दोस्तों, यहाँ पे इसके जो टायर है, टायर्स काफ़ी अच्छे हैं, टायर्स जो आपको यहाँ पे C8 Zoom 2 मिलने वाले हैं बाय डिफॉल्ट। और टायर्स के अगर दोस्तों आप फोटोज़ भी देखो तो आपको समझ में आएगा कि इसकी जो टायर की ग्रिप है वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है और काफ़ी वाइड भी है टायर्स। फ्रंट वाला जो है वो 100 का मिलता है, रियर 140 का। तो टायर ग्रिप और वाइड जो है काफ़ी अच्छे हैं। तो रोड्स के ऊपर जो आपको ग्रिप मिलने वाली गाड़ी की वो काफ़ी अच्छी है। और बाय डिफॉल्ट C8 Zoom टायर मिलना ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये जो टायर है काफ़ी अच्छा है ग्रिप के सेंस में। और दोस्तों, एक चीज़ जो है कंसिडर करने वाली वो है कि यहाँ पर आपको कलर ऑप्शन जो है बिल्कुल नहीं मिलने वाले, एक मैट ब्लैक कलर आएगा वही आपको मिलेगा। तो महिंद्रा की तरफ से वो एक चीज़ जो है कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि कलर ऑप्शन कोई भी नहीं है। वही अगर आप देखते हो तो जावा क्लासिक और जावा 42 में तो आपको बहुत सारे कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे भी आपको फेवरेट कलर आपको ले सकते हो। तो कलर में कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हालांकि मैट ब्लैक कलर इस बाइक के ऊपर काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी कलर के जो दूसरे ऑप्शन है वो आपको नहीं मिलेंगे। पांचवी चीज़ दोस्तों जो यहाँ पे कंसिडर करने जैसे वो है इसका जो रियर सीट में आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है। और दोस्तों, ये जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये सीट को कनेक्टेड है, तो थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में देखने को मिलता है, तो ये जो सीट को सपोर्ट करने वाला है। और जो नॉर्मल मोनोशॉक सस्पेंशन होते हैं जैसे आपको रेगुलर बाइक्स में मिलते हैं, ये वैसे टाइप का नहीं है। और अलग है तो ये जो डायरेक्टली जो सीट है उसको कुशनिंग भी प्रोवाइड करेगा, और जो सस्पेंशन है वो भी प्रोवाइड किया जाएगा, बट ऑब्वियस। तो सस्पेंशन जो है दोस्तों इसके अंदर अलग है। और दूसरी जो हम जावा बाइक्स देखते हैं उसके अंदर आपको जावा के अंदर जो है ट्विन सस्पेंशन मिलता है, जैसे कि जावा क्लासिक, जावा 42। तो जहाँ पे आपको पहले जावा के अंदर ट्विन सस्पेंशन मिलता था, वही अब आपको जो है मोनोशॉक सस्पेंशन मिलने वाला है, तो वह एक अच्छी चीज़ है। और दोस्तों, एक छोटी सी चीज़ जो यहाँ पे कंसिडर करना जैसी वो है इसका टेल लैंप। इसका जो टेल लैंप है ये सीट के रियर साइड में लगाया है, फिक्स किया है, तो ये लुक के सबसे थोड़ा अच्छा लगता है। और जनरली जो बॉबर कैटेगरी के बाइक्स होती है उनके अंदर ऐसे ही जो टेल लैंप हमें देखने मिलता है, लेकिन इसकी विजिबिलिटी कितनी है ये अभी तक पता नहीं है। जब तक बाइक लॉन्च नहीं होता है फाइनली तब तक पता नहीं चलेगा कि इसका विजिबिलिटी कैसा है। और होप करते कि अच्छा ही रहेगा, लेकिन एक चीज़ वो कंसिडर करने जैसी थी, और इसके मैंने आपको इसके अंदर बता दी कि टेल लैंप जो है वो सीट के अंदर लगा रहेगा। और दोस्तों, इस बाइक के अंदर आपको व्हील बेस जो है काफ़ी बड़ा मिलता है, तो हैंडलिंग जो इस बाइक की रहेगी वो काफ़ी अच्छी रहेगी, क्योंकि फ्रंट व्हील बेस जो है काफ़ी बड़ा है, तो हैंडलिंग कहीं ना कहीं से जो है बिल्कुल इम्प्रूव होगी। और एक जनरली जो बॉबर टाइप बाइक्स होते हैं उसके जो फ्रंट व्हील बेस होता है ये बड़ा ही होता है। और दोस्तों, फाइनली मैं यहाँ पे आपसे बात करता हूँ प्राइसिंग के बारे में। तो इसका जो एक्सशोरूम प्राइस दिल्ली का है वो है 1,95,000 रुपीज़। तो ऑन रोड ये बाइक जो है आपको 2,10,000 या फिर 2,15,000 के आसपास जो मिल जाएगी। तो दोस्तों, यहाँ पे प्राइस जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बाइक का, क्योंकि एक 3
43 cc इंजन की सबसे जो बाइक है, सॉरी 334 cc इंजन की सबसे जो बाइक है, थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन ये जो है एक बॉबर और क्रूजर टाइप के अंदर ये बाइक आता है, तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव किया गया है। और प्रीमियम ना जो इस बाइक अंदर आपको बिल्कुल मिलने वाला है, क्योंकि डिज़ाइन अगर आप देखते हो तो डिज़ाइन काफ़ी यूनिक है, तो प्राइस जो है एक चीज़ कंसिडर करने जैसी है। और माइलेज की अगर उस टाइम बात की जाए तो उस बाइक के अंदर आपको सिटी के अंदर 35 से 36 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज मिल जाएगा, और हाईवे पे 42-43 तक मिल जाएगा। बाकी तो जब बाइक आती है इसके जब टेस्ट राइड किया जाएगा तभी इसके सब डिटेल्स जो है मालूम पड़ेगा, लेकिन ये इनिशियल परफॉर्मेंस है, इनिशियल जो चीज़ है कि कंपनी क्लेम कर दी कि 35-36 तक आपको माइलेज मिल जाएगा, और 334 cc इंजन के हिसाब से इतना माइलेज आपको मिलना भी चाहिए। तो बस दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो आपको कंसिडर करना चाहिए जावा पर्क बाय करने के पहले। तो आप दोस्तों बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको ये जो पॉइंट्स है हेल्पफुल हुए या नहीं, और ये वीडियो कैसा लगा। कोई डाउट वगैरह हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, वहाँ पे आपको जो है आंसर कर दूंगा। और दोस्तों ये वीडियो अगर किसी भी रीजन के लिए अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलो। इंस्टाग्राम की यूज़र आईडी जो यहाँ पे शो हो रही है, फॉलो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। और फ्रेंड्स मेरा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी है जहाँ पे हम सब बाइक रिलेटेड डिस्कशन करते रहते हैं, तो वहाँ से आप जो है अगर वो ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो वहाँ से आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सो बस दैट्स इट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।